मिशन 2023 के नजदीक आते ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर में सक्रियता लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है, जहां विजयवर्गीय अलग अलग अभियानों और कैंपेन के जरिए युवाओं को नशे से दूर करते हुए आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते भी दिखाई दे रहे हैं। इस बीच विजयवर्गीय का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विजयवर्गीय 10 दिन का अपना इंदौर कैंपेन चलाने का ऐलान करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर नहीं, एक दौर है जो समय से आगे चलता है। इंदौर शहर की संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, ये सर्वश्रेष्ठ शहर है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि इंदौर एक शहर नहीं बल्कि एक दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहे इन शब्दों में बसा है अपने इंदौर का तात्पर्य, और इसलिए हमें अपना इंदौर मुहिम चलाई है। मैं इंदौर के जागरूक नागरिकों से अपील करता हूँ कि इंदौर की इमेज जो कि गुंडागर्दी, ड्रग्स, नशा प्रवृत्ति जैसे असामाजिक तत्वों की वजह से बदल रही है, इसको सही दिशा देने में भागीदार बने। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंदौर के बारे में कहा था कि इंदौर इंदौर नहीं, एक दौर है जो समय से आगे चलता है, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को लेकर भी। ये बहुत बड़ी बात है। इंदौर शहर की संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, हम सब गौरवान्वित उसको लेकर। इंदौर की विरासत छुपी हुई है। आप सब इंदौर के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अपना इंदौर हम 20 मई से 31 मई के बीच में अपना इंदौर हैशटैग चलाना चाहते हैं। उसमें अपने अनुभव, इंदौर की विशेषता, इंदौर का इतिहास, जो आपके पास उपलब्ध हो आप डालें, हम संग्रहित करेंगे और इंदौर को एक बार फिर से दुनिया के सामने बताएंगे। ये सर्वश्रेष्ठ शहर है, हम सब मिलकर इसका प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर देखा जाए तो विजयवर्गीय अलग अलग अभियानों और कैंपेन के जरिए युवाओं को नशे से दूर करते हुए अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते भी दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच विजयवर्गीय का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विजयवर्गीय 10 दिन का अपना इंदौर कैंपेन चलाने का ऐलान करते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।